वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सिमिलर टाइप क्वेश्चंस एसटीक्यू सीरीज़ को और चर्चा कर रहे हैं सांख्यिकी क्लास 9 के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उसको चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के एक श्रेणी का मध्य बिंदु एम है और यदि उच्च श्रेणी सीमांत यू हो तो निम्न श्रेणी सीमांत क्या होगा। आपको याद रखना है कि श्रेणी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न श्रेणी सीमांत प्लस उच्च श्रेणी सीमांत, ठीक है। क्लास इंटरवल्स या बाउंड्री को लेना होता है, तो क्लास बाउंड्री को लेकर हम लोग यहाँ पर लिख लिए और 2 से डिवाइड किए। तो मध्य बिंदु है एम और निम्न श्रेणी सीमांत कितना है इसको निकालना है। उच्च श्रेणी सीमांत यू दिया गया, लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो निम्न श्रेणी सीमांत प्लस यू बराबर 2m, इसलिए निम्न श्रेणी सीमांत बराबर कितना हो गया, 2m माइनस यू। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, किसी एक अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु 42 है और श्रेणी की लंबाई 10 है, तो श्रेणी की बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा या श्रेणी सीमा निकालो बोलकर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं। मैं बाद में इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, फिलहाल आप देखिए थोड़ा लॉन्ग कट में कैसे करते हैं। मान लिया न्यूनतम या निम्नतम सीमा कितना हो गया, श्रेणी सीमा एल हो गया, उच्चतम यू हो गया, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए एल और यू मैंने मान लिया, तो मध्य बिंदु कितना होगा, लोअर और अपर को ऐड करते हैं फिर बाई 2 करते हैं, तो यह फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु कितना है, 42 है, देखिए यहाँ पर, तो एल प्लस यू बाई 2, तो एल प्लस यू इक्वल टू 84 हो गया, 2 ने गुना किया, तो यू प्लस एल भी लिख सकते हैं, लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट बोलकर ऐसे करके जोड़कर यू प्लस एल इक्वल टू 84 हो गया, इसको 1 बोल दिए। उसके बाद श्रेणी की लंबाई बोलने का मतलब क्या है, देखिए अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करने से हो जाता है श्रेणी की लंबाई, तो क्वेश्चन में दिया गया है इसका वैल्यू कितना है, एल दिया गया है, एल लिख लिए, इसका वैल्यू दिया गया 10 लिख लिए 10, और यहाँ पर यू श्रेणी लिख लिए 10, और यहाँ पर यू श्रेणी की लंबाई दिया गया है 10 लिख लिए, यू माइनस एल लिख लिए, यू माइनस एल इक्वल टू 10 या 2 हो गया। अब आप देखिए 1 और 2 से u प्लस एल इक्वल टू 84, यू माइनस एल इक्वल टू 10, तो याद कीजिए विलोपन विधि से आप कैसे कर सकते हैं, एल एल कट गया, जोड़ने से 2u इक्वल टू 94, u इक्वल टू 94 बाई 2 इक्वल टू 47 हो गया, और 1 में एल इक्वल टू 84 माइनस u लिखे, u का वैल्यू 47 बैठा दी तो 37 आ गया। आप इस तरह से कर सकते हैं, किंतु मैं बोलूँगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं कीजिए, इसके अलावा भी और एक विधि है उससे कीजिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको इस फॉर्मूला को याद करके रखना पड़ेगा, न्यूनतम श्रेणी सीमा मतलब होता है मध्य बिंदु माइनस श्रेणी की लंबाई बटा 2, उच्चतम श्रेणी सीमा बराबर होता है मध्य बिंदु प्लस श्रेणी की लंबाई बटा 2। तो आप जान रहे हैं क्या, न्यूनतम श्रेणी सीमा बराबर कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु कितना है आपके पास क्वेश्चन में दिया गया 42 और श्रेणी की लंबाई कितनी है 10 बाई 2, कितना हो गया 42 माइनस 5 इक्वल टू 37, यह हो गया न्यूनतम श्रेणी सीमा। एकदम आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह से उच्चतम फिर श्रेणी सीमा इक्वल टू कितना होगा 42 हो गया ये, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा उच्चतम के लिए, मध्य बिंदु लिख लिए 42 और श्रेणी की लंबाई 10 फिर बटा 2, कितना हो जाएगा 42 प्लस 5 हो गया 47। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। स्पेशल सीरीज़ है जिसमें आप आज सांख्यिकी के ऊपर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यह सीरीज़ भी आपको अच्छा लग रहा होगा।
आप जब भी स्टडीज़ करें याद रखें कि प्लेलिस्ट की मदद से स्टडी करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन एस टी क्यू क्वेश्चन को जब भी तैयारी करना है तो आप जाकर उसमें क्लिक करें। प्लेलिस्ट में एस टी क्यू सीरीज़ या एस टी क्यू प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया गया है जो आपके एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें श्रेणी सीमा दिया गया है और आवृत्ति दिया गया है, तो इसमें आपको क्या बताना है, प्रथम श्रेणी का आवृत्ति घनत्व निकालना है और अंतिम श्रेणी का आपेक्षिक आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तालिका में प्रथम श्रेणी और द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन सब श्रेणी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्रेणी की लंबाई कितनी है, 74 माइनस 70 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ भी 79 माइनस 75 4 हो रहा है। 84 माइनस 80 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 89 माइनस 85 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसका मतलब श्रेणी की लंबाई कितनी होगी, 4 हो गई। इस चीज़ को आपको निकाल लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आवृत्ति घनत्व निकालते हैं तो श्रेणी की आवृत्ति बटा में श्रेणी की लंबाई लिखना पड़ता है। तो श्रेणी की आवृत्ति कितनी है पहले वाले में, क्योंकि आप पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 है, और लंबाई कितनी होगी श्रेणी की, 4 हो गई। तो 3/4 डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। ठीक है, फिर कुल आवृत्ति निकाल लीजिए, सबको जोड़े 3, 4, 5, 8 सबको जोड़ लिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। इन सबको कुल आवृत्ति मतलब आवृत्तियों के योगफल को जोड़ लिए तो 20 हो गया। अब जानते हैं आपेक्षिक आवृत्ति जब निकालते हैं किसी भी श्रेणी का तो क्या करना होता है, श्रेणी की आवृत्ति बटा कुल कुल लंबाई, किसकी, जो कुल आवृत्ति कुल श्रेणी की आवृत्ति, इस चीज को आप याद रखिएगा, कुल श्रेणी की आवृत्ति को आपको डिवाइड करना है श्रेणी की आवृत्ति से। श्रेणी की आवृत्ति कितनी है, मुझे अंतिम का निकालना है तो कितना है, 8 है, 8 है श्रेणी अंतिम श्रेणी की आवृत्ति, और कुल आवृत्ति कितनी है जोड़े हैं तो 80 है। तो कुल श्रेणी की आवृत्ति मैंने यहाँ पर लिखा है, कुल श्रेणी श्रेणी की आवृत्ति बटा कुल श्रेणी की आवृत्ति, तो 8/20 देखिए जब इसने भाग दिया तो 0.4 आ गया। फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जो बेसिक्स ऑफ स्टैट्स जब सीखे थे आप पार्ट 1 में, तो आपको सारे चीज़ बताया गया था, या फिर बेसिक्स ऑफ स्टैट्स जो देखे होंगे आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो उसमें आपको इन सब फॉर्मूला को बताया गया था। क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है नहीं, बोलकर आप थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएं, इसलिए इन फॉर्मूला को याद करके रखिएगा। आपेक्षिक आवृत्ति बोलने का मतलब क्या है, श्रेणी की आवृत्ति बटा कुल श्रेणी की आवृत्ति, तो कुल श्रेणी की कुल आवृत्ति कितनी हो गई, कुल श्रेणी की कुल आवृत्ति, तो कुल आवृत्ति लिख लें 8/20, या यहाँ पर आप चाहें तो कुल आवृत्ति भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो श्रेणी की आवृत्ति बटा कुल आवृत्ति लिखिएगा तो और अच्छा दिखेगा। तो कुल आवृत्ति 20 है, 8 को भाग दिया तो 0.4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टैट्स का जो भी इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि ये यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।